आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे ट्रैक किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्कॉलरशिप का स्टेटस ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा। यहाँ आपको टाइप करना होगा NSP, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट वाला लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, scholarship.gov.in ये ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको होम पेज में ला करके छोड़ेगा। हम यहाँ नीचे आएंगे। अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन फिल किए थे तो आप फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप रिन्यूअल फिल किए थे तो रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे। हम फ्रेश किए थे तो हम फ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना एप्लीकेशन ID डालेंगे, यहाँ से पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप दोबारा से पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। या फिर एप्लीकेशन ID भूल गए हैं, नहीं मालूम है, तो यहाँ फॉरगेट एप्लीकेशन ID पर क्लिक करके दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर का होना जरूरी है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ला करके छोड़ेगा आपका डैशबोर्ड में। यहाँ से आप एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। आपको यहीं पर ही ऊपर ही बता देगा आपका ये एप्लीकेशन ID है और एप्लीकेशन स्टेटस। यहीं पर देखिए एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हो चुका है। देखिए मेरा पूरा का पूरा यहाँ यस किया हुआ है। सिर्फ अभी स्कॉलरशिप का अमाउंट मेरे अकाउंट में नहीं किया है, इसलिए यहाँ इस पर नो टिक किया हुआ है। यहाँ चेक और स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी अपना आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। जो बात वहाँ पे लिखा हुआ था वो बात यहीं पे भी लिखा हुआ है। यहाँ से अब चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। प्रिंट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ से एप्लीकेशन को दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। ये आपका पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ से प्रिंट आइकन पे क्लिक करके आप दोबारा से प्रिंट करके अपने पास एक सेफ्टी के लिए रख सकते हैं। इसी तरह मेरे पास और एक स्टूडेंट है, उसका मुझे चेक करना है, तो इसको पहले हम लॉग आउट करेंगे, उसके बाद उसका चेक करेंगे। तो उसका हम लॉग इन कर लिए हैं। यहाँ पे आपको फिर इसी पेज में ला करके छोड़ेगा। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन ID आपका ये रहेगा। एप्लीकेशन स्टेटस में आप यहाँ देख सकते हैं Class 1 से 8 तक आर नॉट एलिजिबल फॉर 2022 से 23, दे आर कन्वर्ट अंडर RTE। मतलब आप यहाँ से समझ जाइए कि यहाँ Class 1 से Class 8 तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सरकार ने इस बार से नियम नया लागू किया है कि Class 1 से 8 तक किसी भी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। इसी कारण इसका यहाँ देखिए, जबकि वेरीफाई हो चुका था, स्कूल यहाँ से वेरीफाई कर चुका था, लेकिन यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर देखिए यहाँ से रिजेक्ट कर दिया है। तो इसी तरह अगर आप भी Class 1 से 8 के बीच में आते हैं तो आपका भी स्कॉलरशिप अमाउंट इस बार नहीं आएगा। आप नेक्स्ट ईयर फिल कर सकते हैं, फिर ट्राई कीजिएगा। हो सकता है कि आपको उस बार आ जाए या फिर उस बार भी रिजेक्ट हो सकता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।